गलती बनना चाहते हो नहीं। अच्छा तो इस वीडियो को नहीं क्या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दो ताकि अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड को अगर तलाटी बनना होगा तो उनके लिए बड़ा हेल्प हो जाएगा। और अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आप फायदे की बात कर ही देता हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपके घर का बिजली का बिल कम हो जाए। ओके तो जो लोग तलाटी बनना चाहता है उन सभी दोस्तों को फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप तलाटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आगे जाकर तलाटी बन सकते हैं, इसके पूरे ए टू जेड डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरे महाराष्ट्र में 4644 सीट मतलब अच्छा खासा सीट जो है अभी तलाटी की भर्ती होने वाला है आगे जाके। तो उसके लिए आपको 26 जून 2023 से लेके तो 17 जुलाई 2023 तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन भर सकते हैं। अब बात आती है भैया पैसे कितना देगा, क्योंकि सबका सवाल आखिर में वही होता है। तो बता दूं 25,500 से लेके तो 81,500 तक। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है तो सब बता रहा हूँ, अब एग्जाम डेट भी तो बताना चाहिए। तो 17 अगस्त से लेके तो 12 सितंबर पूरे तकरीबन महीने भर एग्जाम होने वाला है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइम पे एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा कि आप हो सकता है कि स्टार्टिंग में भी गिर जाए, तो आप थोड़ा सा तैयारी जोरदार शुरू कर दीजिए। 200 मार्क का एग्जाम होने वाला है, 100 क्वेश्चन रहने वाला, हर क्वेश्चन का जो है 2 मार्क्स मिलने वाला है। डेफिनेटली ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप चिंतित बिल्कुल ना हो, बिंदास छुड़ा के आइएगा। और बात अगर करूँ तो आपको 2 घंटे में इस एग्जाम को देना होगा, मतलब 120 मिनट 100 क्वेश्चन, तो आप रेडी रहिए उस तरीके से। साथ साथ आपको अगर बता दूं किस बेस्ड पे ये होने वाला है, ये बेस्ड रहेगा MCQ, मतलब आपको ऑप्शन देके रहेगा उसमें से एक एक जो है टिक करना है। पैटर्न जो है वो TCS पैटर्न पे होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो देखो आप जो है 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आप करके है तो आपका यहाँ पर काम आने वाला है। और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि बहुत सारे लोग जो है कोरोना के कारण या फिर दूसरे किसी कारण डिस्टेंस लर्निंग कर चुका है, और इसी वजह से यूनिवर्सिटी को आप जानते होंगे। तो अगर आप YCM से भी अगर अपना ये डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह कर चुके हैं ऐसे केसेस में भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का मतलब 17 जुलाई 2023, यहाँ तक आपका जो भी होगा एजुकेशन वो कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो डेफिनेटली तलाटी के लिए बहुत सारे काम जो है ऑनलाइन करने पड़ती है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया रखा है कि आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एक डिप्लोमा डिग्री जो भी होगा सर्टिफिकेट होना जरूरी है, आप कोर्स कर चुके हो। तो अगर आपका अगर कोई कोर्स नहीं किया हुआ है कंप्यूटर में ऐसे में आप इलिजिबल तो होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि 2 साल के अंदर इस कोर्स को करके आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि आप तलाटी बन भी गए उस केसेस में भी आपको 2 साल बाद जो है इस पद के लिए रद्द कर दिया जा सकता है। एज को लेकर चिंतित हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 18 साल से लेके तो 38 साल अच्छा खासा रेंज जो है एज का इसके अंदर पड़ रहा है। बाकी आप अगर स्पेशल क्राइटेरिया से आते हो तो आप कोई टेंशन नहीं है, 45 ईयर्स तक 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो इस पद के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 4644 सीटें हैं, उसके बावजूद भी आपको ये पता करना जरूरी होना चाहिए कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट में है कितने सीट है। वैसे मैं गढ़चुली में रहता हूँ तो यहाँ पर तकरीबन 298 सीट है। तो अगर गढ़चुली से आप भी बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको जो है लगातार मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं ताकि आपको आगे जो है इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो या फिर स्पेशल कोई भी इन्फॉर्मेटिव चीज हो जो गढ़चुली से बिलोंग करता है स्पेशली, उनके लिए तो भाई रामबाण होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात आता है कि रिजर्वेशन क्या क्या है, कहाँ तक तो रिजर्वेशन होने वाली है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप खिलाड़ी हैं या फिर आप कोई स्वतंत्र सेनानी की फैमिली से आते हैं, आप पूर्व सेना में रह चुके हैं, आप महिला हैं, आप कोई पेशा कायदा से बिलोंग करते हैं, या फिर आपका अपंग हो अनाथ हो, ऐसा बहुत सारे क्राइटेरिया है, उसके लिए आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है जिसकी वजह से आपको जो है रिजर्वेशन मिलने वाली है। वैसे रिजर्वेशन की बात आती है तो भाई पैसे थोड़े कम करने वाले हैं, क्योंकि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपको 900 रुपीज जो है इस फॉर्म के लिए देना पड़ेगा, लेकिन आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं इस केस में आपको 1,000 रुपए इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लेके देना पड़ेगा। बात अगर डॉक्यूमेंट्स की करूँ तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक लाइव फोटो की जरूरत होगा, मतलब जब भी फॉर्म भरा जाएगा तब आपका प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे खड़े होंगे वहीं पे आपको फोटो लिया जाएगा। दूसरा एक आपको फोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा स्कैन किया हुआ। दूसरा जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है आपका TC हो गया, मार्कशीट हो गया, और फलाना डिप्लोमा, आपका जो भी डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, सारी चीज जरूरत होने वाली है।
उसके साथ साथ आपको जरूरत होगा अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ साथ आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली लगेगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लेके चलिएगा, साथ साथ आपका डोमिसाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर कंपलसरी है, डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपको डोमिसाइल, क्योंकि ये सारे पदे जो तलाटी के लिए निकला है ये महाराष्ट्र के लिए है, तो महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हो कि नहीं इसके लिए आपका डोमिसाइल बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे डिटेल अगर आपको लगता है कि आप याद नहीं रख सकते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात आता है कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो देखो ऐसे तो पूरे यूट्यूब में बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से तलाटी का भरे उसका मौजूद है, लेकिन आप चाहते हो कि आप हिंदी में जो है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो वीडियोस है वो मराठी में है, तो आप चाहते हो कि हिंदी में इस डिटेल वीडियो को बनाओ, क्योंकि थोड़ा वक्त अभी भी है, अगर आप बोलोगे तो एक दो दिन के अंदर मैं उसे बनाकर आपके लिए हाजिर कर दूंगा और डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से जो है आप ऑनलाइन फॉर्म को भी भर सकते हैं। अच्छा, अगर आप गढ़चिरौली में रहते हैं और यहाँ पर आप तलाटी भर्ती के लिए निकल रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है, बहुत सारे गैर जो आदिवासी युवा है अब उनको भी प्राथमिकता मिले इसके लिए बहुत सारे नेताओं ने जो है कलेक्टर के पास जाकर उन्होंने एक लेटर दिया है, मुख्यमंत्री तक पहुँचाने बोला है और जल्द से जल्द जो है गढ़चिरौली में जो गैर आदिवासी युवा है उनको भी एक प्राथमिकता प्रायोरिटी मिले इस तलाटी भर्ती में, उसके लिए एप्लीकेशन दिया है। तो अगर उसमें कुछ नया अपडेट आते हैं उसको भी मैं आपको बताते रहूंगा, इसलिए फिर से कहता हूँ कि अगर आप गढ़चिरौली में रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है और बने रहिए हमारे इस चैनल पर।